लोग कहते हैं तेरा क्या अस्तित्व नारी, दुखों को दूर कर खुशियों को बिखेरे नारी। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द लेडीज आउट देयर। 8th मार्च है इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इस वुमेंस डे को सेलिब्रेट करते हुए मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ वुमेंस डे के थीम पर बहुत ही प्यारा एक चॉकलेट केक की रेसिपी को। मैंने इस केक पर बहुत ही एक सिंपल डिज़ाइन रखा, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वुमेंस डे स्पेशल चॉकलेट केक की रेसिपी को। चॉकलेटी केक बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम डाल देंगे 1 कप दही। ये यहाँ पे 1/2 कप मेजरिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बार डाली हूँ। 3/4 कप मेल्टेड घी डाल देंगे, और साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे 3/4 कप पिसा हुआ चीनी। चीनी, घी और यहाँ पे हम दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करते हुए यहाँ पे क्रीमी टेक्सचर ला देंगे। कम से कम आप इस मिक्सचर को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंट लें। फेंटने के लिए इस तरीके का एक हैंड विस्कर का इस्तेमाल करें। अब हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे, तो उसके लिए एक छन्नी ले लें और उसमें डाल देंगे हम यहाँ पे 2.5 कप मैदा। मैं यहाँ पे बड़ा वाला केक बना रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे 2.5 कप मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदा को अच्छी तरीके से छान ले और छान के जो है इसी मिक्सिंग बोल में डाल दे। मैदे को हमने अच्छी तरीके से छान लिए है, अब हम इसमें छान लेंगे कोकोआ पाउडर। तो 1/3 कप यहाँ पे हम कोकोआ पाउडर डाल देंगे। चॉकलेटी फ्लेवर का केक बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कोकोआ पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का कोकोआ पाउडर का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोआ पाउडर को मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से छान लिया। अब हम इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को जो है अच्छी तरीके से एक बार मिला देंगे। तो यहाँ पर ना हमारा मिक्सर जो है वो ड्राई है, हमें यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करना है। तो दूध जो है हमें ल्यूकवार्म लेना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पे दूध ऐड करना है, और यहाँ पे मिक्सर को जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो हमें ना यहाँ पे जैसे रिबन गिरता है वैसा ही हमें टेक्सचर ला लेना है। तो पूरा दूध आप एक साथ नहीं ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और मिक्सर को चला दें। तो टोटल मैंने यहाँ पर जो है 1 कप दूध का इस्तेमाल किया। दूध का इस्तेमाल आपको ल्यूकवार्म करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्सचर हमारा जो बैटर का ऐसा ही रहना चाहिए। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, साथ में 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हमें इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से कट एंड फोल्ड तरीके से मिक्स कर देना है। अच्छा होगा आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को अच्छी तरीके से छान के यूज़ करें, नहीं तो ये कभी कभी ना गुठली पड़ जाती है और केक के ऊपर में थोड़ा सा हल्का सा बबल आ जाता है, जो कि दिखने में नहीं अच्छा लगता है। तो बैटर हमारा रेडी है। केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक राउंड सा केक टिन ले लिया, उसके बेस में एक बटर पेपर प्लेस कर दिया और उसके ऊपर में थोड़ा सा तेल या घी से अच्छी तरीके से ग्रीस कर दे, साथ ही में किनारे को भी तेल या घी से ग्रीस कर दे। अब हम जो चॉकलेटी वाला बैटर बनाए थे उसको हमें केक टिन में डाल देना है, और यहाँ पे जो है केक टिन को हल्के हाथों से थोड़ा सा टैप कर देना है ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स ना रह जाए। केक को मैं यहाँ पे कढ़ाई पे बेक कर रही हूँ, इसलिए कढ़ाई को जो है पहले 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दे। मोटे तली वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करें। कढ़ाई में हम एक स्टैंड रख देंगे और स्टैंड के ऊपर हमारा केक टिन रख देंगे, ढक देंगे और केक को जो है कम से कम 45 से 50 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पक जाने देंगे। टोटल 45 मिनट्स यहाँ पे हो गया है। अब हम कढ़ाई के ढक्कन को हटाएंगे। तो अब हम यहाँ पे केक को चेक कर लेना है। एक टूथपिक लेके हम सबसे पहले किनारे में डाल देंगे और इसको चेक कर लेंगे। टूथपिक यहाँ पे क्लीन है। अब हमें बीच में भी चेक कर लेना है सेम तरीके से। दोनों तरफ यहाँ पे टूथपिक क्लीन है, यानी कि केक हमारा अच्छी तरीके से बेक हो गया है। केक को हमें सावधानी से कढ़ाई से निकाल देना है और केक को जो है यहाँ पर हमें ठंडा हो जाने देंगे। केक को ठंडा हो जाने दें अच्छे से, उसके बाद हमें केक को डीमोल्ड करना है। तब तक हम व्हिप्ड क्रीम का प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल में हम डाल देंगे 2.25 कप व्हिप्ड क्रीम। चिल्ड व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आधा घंटा पहले से आप इसको फ्रिज से निकाल दें और उसके बाद यहाँ पे इस्तेमाल करें। अगर आपकी व्हिप्ड क्रीम में शुगर नहीं है, आप जो है यहाँ पे 1/2 कप शुगर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से बीट करना है 7 से 8 मिनट के लिए, या फिर तब तक बीट करना है जब तक कि इसमें जो है स्टिफ पीक नहीं आ जाता। आप देखेंगे इस तरीके का आएगा, क्रीम यहाँ पे जो है गिर नहीं रहा है, इतना तक आपको इसको बीट करना है। दूसरी तरफ
हमें एक डबल बॉयलर सेटअप बना लेना है। एक सॉस पैन में हमें पानी गर्म कर लेना है और उसके ऊपर में रख देना है एक हीट प्रूफ बोल। तो मैं यहाँ पे एक कांच का बोल का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें डाल देंगे हाफ कप डार्क चॉकलेट और साथ में एक चौथाई कप हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे। मैं यहाँ पे सिंपल अमूल का जो फ्रेश क्रीम आता है उसी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कांच का जो बोल है वो पानी को टच नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से ना ये पिघलती रहेगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव है आप जो है इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव पर रख दें, तब भी आपका सेम तरीके से ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। हमारा चॉकलेट केक भी अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हमें इसको डिमोल्ड कर लेना है। किनारे को अच्छी तरीके से स्क्रैच कर दे एक चाकू की मदद से और एक प्लेट के ऊपर में हमें इसको उल्टा कर देना है और टैप करते हुए हमें केक को बाहर निकाल देना है। बटर पेपर को हमें यहाँ पे निकाल देना है। आप देख सकते हैं कितना इसी तरीके से बटर पेपर यहाँ पे निकल आ रहा है। केक को फ्लिप कर दे और ये हमारा स्पॉन्जी चॉकलेट केक जो है बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो इस केक को ऐसे भी खा सकते हैं। हमें यहाँ पे इसको डिज़ाइन देना है, तो हमें क्या करना है कि केक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको जो है फ्लैट कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और केक के ऊपर वाले हिस्से को जो है फ्लैट कर दूँगी। अब मैं इस केक को जो है 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर लूँगी। आप चाहे तो 3 लेयर्स का भी केक बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही लेयर का केक बना रही हूँ। मैं यहाँ पे बीचों बीच केक को कट कर दिया और यहाँ पे 2 लेयर जो है अलग अलग हो गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें इस केक को जो है आइसिंग करना है। एक मैंने यहाँ पे केक टेबल ले लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा व्हिप क्रीम डाल दिया और उसके ऊपर मैं रख दूँगी केक के एक स्लाइस। तो मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग स्लाइस किया था, उसमें से एक स्लाइस रख देंगे और एक स्लाइस को जो है यहाँ पे शुगर सिरप से अच्छी तरीके से मॉइस्ट कर लेना है, उससे ये केक जो है खाने में ड्राई नहीं लगती है। अब हम इस लेयर के ऊपर जो है व्हिप्ड क्रीम का लेयर लगा देंगे। चाहे तो आप इस तरीके का स्पैचुला ले लें उससे इस्तेमाल करें, या फिर आप जो है क्रीम को एक पाइपिंग बैग में भर दें और उसके बाद पाइपिंग बैग से भी बड़े ही आसान तरीके से आप इसके ऊपर में व्हिप्ड क्रीम लगा सकते हैं। इसको स्प्रेड कर देंगे और हमें जो है दूसरे लेयर को भी इसके ऊपर में अच्छी तरीके से प्लेस कर देना है। दूसरे लेयर को भी सेम तरीके से शुगर सिरप से थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेना है, उससे केक जो है खाने में तो ड्राइनेस नहीं लगेगा और स्वीटनेस भी इसका बढ़ जाता है। अब हमें सेम तरीके से इसको जो है कवर कर लेना है व्हिप्ड क्रीम से। तो मैंने जो है इजी तरीके के लिए एक पाइपिंग बैग में डाल दिया था व्हिप्ड क्रीम को और उसके बाद इस तरीके से सारे व्हिप्ड क्रीम को केक के ऊपर में इस तरीके से डाल दे। किनारे में भी हमें यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम डाल देना है। मुद्दा बात यह है कि पूरे ही केक को आपको अच्छी तरीके से व्हिप्ड क्रीम से ढक देना है। तो मैंने यहाँ पे पूरे केक को अच्छी तरीके से व्हिप्ड क्रीम से ढक दिया। स्क्रैपर के मदद से किनारे और टॉप को जो है थोड़ा सा स्क्रैप कर दे ताकि ये जो है थोड़ा सा बराबर लगे। अब हमें इस केक को जो है थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेना है। तो हमने जो है चॉकलेट गनाज बनाया था उसको भी एक पाइपिंग बैग में भर दे और इस तरीके से मैं जो है इसको डेकोरेट कर रही हूँ। मेरा जो थीम है वो वुमेंस डे के ऊपर में है, तो मैं जो है इस तरीके से बहुत ही प्यारे तरीके से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपने चॉइस से कोई भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर पेटल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको डेकोरेट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज़ पेटल्स है और दूसरा भी एक फ्लावर का पेटल है जिसका नाम मेरे को तो पता नहीं है। आप देख सकते हैं ना कितना प्यारा लग रहा है ना खूबसूरत। पाइपिंग बैग में जो हमारा व्हिप्ड क्रीम बच गया था उसमें मैं जो है केक के ऊपर में इस तरीके का डेकोरेशन कर दे रही हूँ जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और वुमेंस डे है उसके थीम पे बना रहे तो हैप्पी वुमेंस डे लिखना भी बनता है ना। तो पाइपिंग बैग में जो हमारा चॉकलेट गनाश है उसके हेल्प से मैं यहाँ पर हैप्पी वुमेंस डे भी लिख दे रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। व्हिप्ड क्रीम थोड़ा सा और बच गया था तो मैं जो है केक के नीचे में इस तरीके का छोटा छोटा डिज़ाइन बना दे रही हूँ जिससे केक का लुक जो है और इन्हांस हो जाता है। और साथ ही मैं कुछ एडिबल बॉल्स डाल दे रही हूँ गोल्डन कलर्स का, उससे भी केक का लुक और भी ज़्यादा प्रिटी लगने लगती है। डिज़ाइन कैसी देनी है वो आपके ऊपर में है। मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ। केक टॉप में मैंने जो फ्लावर्स डाला था उसके ऊपर में मैं चॉकलेट गनाश को इस तरीके का राउंड राउंड डाल दे रही हूँ। तो ये बन गया हमारा वुमेंस डे स्पेशल सुपर टेस्टी और सुपर मॉइस्ट चॉकलेट केक। अब देख सकते हैं ना कितना प्रिटी लग रहा है।
आप चाहे तो इस केक को जो है आधे से एक घंटे के लिए फ्रिज में डाल दें और उसके बाद में आप इसको कट करें और वेरी स्पेशल वुमेंस डे अपने लव्ड लेडी के साथ सेलिब्रेट करें। ये केक जो है टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ आप अपने कोई भी लव्ड लेडी के लिए बनाएंगे ना तो वो लोग बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे। तो इस केक को ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। और चॉकलेट केक किसको ही ना पसंद है, बच्चों से लेके बड़े सबको ही चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये मेरा बहुत ही स्वीट भतीजा है तो इससे सुन लेते हैं इसका रिव्यू। बहुत अच्छा बना है।